आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। कांग्रेस पार्टी अपने पुराने रंग में लौट रही है, क्योंकि बीच में यह था कि सॉफ्ट हिंदुत्व का मुद्दा आ गया था कि कांग्रेस पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व पर चलेगी, लेकिन राहुल गांधी ने जो लाइन ली है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो पुरानी कांग्रेस थी सबको साथ में लेकर चलने की, उस लाइन पर कांग्रेस वापस लौटी है। बिल्कुल, कांग्रेस को उस लाइन पे लौटना ही चाहिए और कांग्रेस लौटी भी है। आपने देखा होगा कि इस चुनाव के मुद्दे के मद्देनजर चुनाव जब हुआ उसके बाद की भी जो घटनाएं हुई थी उन घटनाओं को लेकर भी कुछ यूट्यूबर ने जो इस बात को उठाया था कि यहाँ पर जो हम लोग सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए अल्पसंख्यक की बात करते हैं तो अल्पसंख्यक नहीं बल्कि उसको मुस्लिम के साथ संबोधन होना चाहिए और मुस्लिम समाज में भी जो बातें होती है जो जुल्म अत्याचार होता है उस बात को खुल करके बोलना चाहिए। जो अदीब अहमद साहब ने जो कार्यक्रम को रखा था और उस कार्यक्रम में खुल करके उन्होंने सभी सांसदों को भी कहा था और ये उस दिन मैसेज भी देने की कोशिश की थी कि कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस हो तमाम सेक्युलर पार्टियों को मुस्लिम समाज के बारे में भी उनपे होने वाले अत्याचारों के मामले में भी उनको बोलना चाहिए। और मैं ये बात को मानता हूं कि जिस ढंग से और जिस तरीके से इस बात को उठाया गया तो उस बात को उठाने से असर उसका ये हुआ कि आज हमने देखा कि भारत की लोकसभा के अंदर भी इस बात को मुखर होकर के राहुल जी ने इस बात को उठाया। इसलिए एक मैसेज जो ये पिछले दिनों की जो घटनाएं हैं और जो जिस तरीके से जिस ढंग से इस बात को उठाया है तो मैसेज है कि अपनी बात को और अपने समाज की बात को मुखर होकर के जहां पर भी अगर कहीं लगता है कि उसके साथ नाइंसाफी होती है या उनके साथ उनको नजरअंदाज किया जाता है तो उस वक्त में लोगों को बोलना चाहिए। जो बोलता है पॉलिटिक्स में उसी के बोर बिकते हैं। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज गुजरात के दौरे पर थे, अहमदाबाद में पालड़ी में जिस तरीके से बीजेपी और कुछ हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं की तरफ से जो हमला किया गया था कांग्रेस ऑफिस पर, उसके बाद गुजरात कांग्रेस के नेताओं की तरफ से राहुल गांधी से कहा गया था कि आप आइए अहमदाबाद और कार्यकर्ताओं में और जोश भरिए, क्योंकि पुलिस ने जिस तरीके से एक तरफा जो कार्रवाई की थी कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार किया था। उसके बाद आज राहुल गांधी यहां पर आए, पूरे गुजरात से लोग यहां पर आए हुए थे। ग्यासुद्दीन शेख साहब पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के जो मेरे साथ में मौजूद हैं। ग्यासुद्दीन साहब, राहुल गांधी का ये दौरा क्या लगता है आपको कि पहले उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को कहा कि हम आपको हराएंगे गुजरात में और उसकी बौखलाहट दूसरे ही दिन यहां पर गुजरात में देखने को नजर आई बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, उसके बाद जिस तरीके से राहुल गांधी आज अहमदाबाद में आए, क्या लगता है इस दौरे का क्या क्या असर रहेगा, कुछ असर रहेगा या क्या रहेगा? इस दौरे का बहुत जबरदस्त असर रहने वाला है क्योंकि जो कांग्रेस कार्यालय पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुंडागिरी की, जिस तरीके से पार्टी के अंदर उसके फर्नीचर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की रात को और उसके बावजूद भी उनका दिल नहीं माना तो दूसरे दिन दोपहर में 4 बजे फिर वापस से आकर के उन्होंने कांग्रेस कार्यालय पे हमला करने का प्रयास किया। मजबूती के साथ कांग्रेस के आगेवानों ने और कार्यकर्ताओं ने उनका मुकाबला किया क्योंकि हर आदमी को जो है अपने बचाव अपनी सुरक्षा का उसको अधिकार है तो उनको उनकी भाषा में जवाब देते हुए यहां से उनको भागना पड़ा। और आज सिचुएशन ऐसी है कि उस बात को बहुत गंभीरता से राहुल गांधी जी ने लिया है क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट में भी कहा था कि जिस तरीके से गुंडागिरी 30 साल से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी कर रही है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डराने और धमकाने का काम कर रही है लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता 30 साल से कभी भी भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर नहीं हुआ है, उसने हमेशा उसे जितना हो सका उसने हमेशा प्रजा की आवाज को मजबूती से रखने का प्रयास और मेहनत की है बजाय कि पुलिस इतनी तकलीफ इतनी परेशानी है कि हमेशा गलत तरीके से पुलिस केस करना, हमेशा गलत तरीके से लोगों को जेल में डालना और जो है जिस मामले को लेकर के प्रजा की बातों को लेकर के जब भी कांग्रेस बीच में जाने की कोशिश की तो उन्होंने शासन के द्वारा प्रशासन के द्वारा उसको रोकने और उसको आवाज को बंद करने की कोशिश की लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमेशा डट करके मुकाबला किया। लेकिन आज से स्थिति पूरी बदली है, आज जो राहुल गांधी जी ने यहां पर आकर के कार्यकर्ताओं को संबोधन किया, कार्यकर्ता का जिस तरीके से हौसला बढ़ाया और उन्होंने कहा है कि हमको डरना नहीं है, हमको डराना भी नहीं है लेकिन हमको मजबूती के साथ ये फांसीवादी परिबड़ों के सामने लड़ना है और हम तो हमेशा से इनके खिलाफ हमेशा लड़ते ही आए हैं। और अब तो बात यह है कि जिस ढंग से जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने बात की है तो मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता हर नाइंसाफी के खिलाफ मजबूती के साथ अपनी आवाज को बुलंद करेगा और लड़ता रहेगा। दूसरा ये एक अच्छा ये नजर आया यहां पर क्योंकि किसी भी पार्टी का जब कार्यकर्ता होता है जब उसका बड़ा नेता उसके लिए आकर खड़ा होता है तो हौसला
मसला बढ़ जाता है। गुजरात में हमेशा कार्यकर्ताओं की तरफ से ये शिकायत रहती थी कि जो नेता है वो ऐसी गाड़ियों में घूमते रहते हैं, वो जमीनी लेवल पर नहीं आते हैं। ऐसे में राहुल गांधी का आना तो यकीनन कार्यकर्ताओं में तो काफी जोश आएगा। बिल्कुल, कार्यकर्ताओं में बहुत जोश आएगा। राहुल गांधी जी ने भी कहा कि भाई पिछली बार 2017 में भी हम कुछ अंतर से ही सरकार बनाने में हम लोग नाकामयाब रहे, लेकिन अब उन सब चीजों से हमको सबक लेना है और मजबूती के साथ अभी से कि जब आज 3.5 साल अभी भी गुजरात की विधानसभा के चुनाव में बाकी है, लेकिन उसके पहले तो जो है यहाँ की स्थानिक स्वराज्य की संस्थाओं के इलेक्शन आने वाले हैं, तो शुरुआत तो उसकी वहीं से, जब 1.5 साल के बाद स्थानिक स्वराज्य की संस्थाओं के इलेक्शन आएंगे वहीं से मजबूती के साथ उनके सामने लड़ाई की शुरुआत तो हो ही जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा है कि जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठाना है, और उसका एक बहुत अच्छा नमूना उन्होंने पेश किया कि आज राजकोट के जितने भी असरग्रस्त थे वो यहाँ पर आए हुए थे, मोरबी वाले आए हुए थे, बड़ौदा के हरनी बोटकांड वाले लोग आए हुए थे, यानी गुजरात के लोगों की जो परेशानी है उनको जो आज तक किसी न किसी तरीके से दबा देने की बात होती थी, उन बातों को उजागर करने का काम राहुल जी ने आज यहाँ पर आकर के किया है, और एक दिशा भी दी है कि हमको जो जनमत जो तैयार करना है, जनमत जो हमको लेना है, उसके लिए जनता के मुद्दों को बुलंद करना पड़ेगा, उसके लिए खुल करके हमको बाहर आना पड़ेगा। और मैं ये मानता हूँ कि आज के इस दौरे के बाद कांग्रेस का कार्यकर्ता के अंदर एक नया जोश, एक नया जुस्सा आएगा, और वो और मजबूती के साथ जो गुजरात के लोगों की समस्या है, जो उसके प्रश्न है, उनके ऊपर बहुत ही मुखर होकर के अपनी बात को रखेगा, अपनी बात को बोलेगा, और गुजरात की जनता को इस फांसीवादी परिबलों से निजात दिलाने के प्रयासों में अपने काम को अपने काम में लग जाएगा। तो दूसरा, ऐसा लगता है कि राहुल गांधी का ये चुनाव के बाद में, चाहे संसद में जो पहला भाषण था लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर उन्होंने दिया, उसके बाद यहाँ पर जो उन्होंने भाषण दिया, ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी अपने पुराने रंग में लौट रही है, क्योंकि बीच में ये था कि सॉफ्ट हिंदुत्व का मुद्दा आ गया था कि कांग्रेस पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व पर चलेगी, लेकिन राहुल गांधी ने जो लाइन ली है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो पुरानी कांग्रेस थी सबको साथ में लेकर चलने की, उस लाइन पर कांग्रेस वापस लौटी है। बिल्कुल, कांग्रेस को उस लाइन पे लौटना ही चाहिए और कांग्रेस लौटी भी है। आपने देखा होगा कि इस चुनाव के मुद्दे के मद्देनजर चुनाव जब हुआ उसके बाद की भी जो घटनाएं हुई थी उन घटनाओं को लेकर भी कुछ यूट्यूबर ने जो इस बात को उठाया था बहुत मजबूती से, सबसे पहले आरफा खानम ने इस बात को उठाया था, उसके बाद अभिषेक शर्मा ने उस बात को उठाया था कि यहाँ पर जो हम लोग सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए अल्पसंख्यक की बात करते हैं तो अल्पसंख्यक नहीं बल्कि उसको मुस्लिम के साथ संबोधन होना चाहिए, और मुस्लिम समाज में भी जो बातें होती है, जो जुल्म अत्याचार होता है, उस बात को खुल करके बोलना चाहिए। और उसी के दो दिन बाद दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था, उसमें हिंदुस्तान के सबसे मायनाज उलमा इकराम भी वहां पे मौजूद थे, तमाम सांसद मौजूद थे वहां पर। उस वक्त में जो अदीब अहमद साहब ने जो कार्यक्रम को रखा था और उस कार्यक्रम में खुल करके उन्होंने सभी सांसदों को भी कहा था, और ये उस दिन मैसेज भी देने की कोशिश की थी कि कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस हो, तमाम सेक्युलर पार्टियों को मुस्लिम समाज के बारे में भी, उनपे होने वाले अत्याचारों के बारे में भी उनको बोलना चाहिए। और मैं ये बात को मानता हूं कि जिस ढंग से और जिस तरीके से इस बात को उठाया गया तो उस बात को उठाने से असर उसका ये हुआ कि आज हमने देखा कि भारत की लोकसभा के अंदर भी इस बात को मुखर होकर के राहुल जी ने इस बात को उठाया। इसलिए एक मैसेज जो ये पिछले दिनों की जो घटनाएं हैं और जो जिस तरीके से जिस ढंग से इस बात को उठाया है तो मैसेज है कि अपनी बात को और अपने समाज की बात को मुखर होकर के जहां पर भी अगर कहीं लगता है कि उसके साथ नाइंसाफी होती है या उनके साथ उनको नजरअंदाज किया जाता है तो उस वक्त में लोगों को बोलना चाहिए, जो बोलता है पॉलिटिक्स में उसी के बोर बिकते हैं। बिल्कुल, इसलिए अपने पे होने वाली बात को पार्टी के मर्यादा में रह करके, पार्टी के अनुशासन में रह करके, लेकिन साथ साथ समाज की भी जो भावनाएं हैं उन भावनाओं को भी पार्टी तक पहुंचाना चाहिए। और मुझे बहुत खुशी है कि राहुल गांधी जी ने जब LOP बनाया गया, उनको विरोध पक्ष नेता, उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं सभी की आवाज हूं, जो भी मेरा कार्यकर्ता जो भी मेरा आगेवान जो है वो मेरे तक अपने प्रश्नों को, अपने समाज के प्रश्नों को पहुंचाएगा, उस बात को लोकसभा में मैं उठाऊंगा। और मुझे खुशी है कि हमारे जो बड़े थे जिन्होंने इसको मीटिंग जो दिल्ली के अंदर हुई, अदीब अहमद साहब, डॉक्टर मौलाना सज्जाद नोमानी साहब और दीगर जो हजरात थे और जो MPs भी थे वहां पे, उन्होंने जिस बात को रखा उस बात की तुरंत ही सुनवाई हुई और पार्लियामेंट में उसका असर भी हमको देखने मिला। तो एक मैसेज है कि समाज जब किसी पार्टी को वोट देता है, समाज किसी पार्टी को ताकत देने का प्रयास करता है, कोशिश करता है, उसके दिन रात काम करता है, मेहनत करता है, तो फिर उस समाज का भी अधिकार बनता है कि उसके भी सुख दुख में सभी लोग, तमाम लोग शामिल हों, और
वो शामिल होने और उनकी बात को पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो पॉलिटिकल पार्टी भी उठाए और पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी अपने हाईकमांड को आगाह करें। मैं मानता हूं कि इससे एक बहुत अच्छा मैसेज गया है कि मुस्लिम समाज में एक बात की जो थी वो कसक रहती थी, हमेशा मुस्लिम समाज अहमदाबाद भी नहीं, गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे देश में बोलता था कि हमको सिर्फ वोटों के लिए ही रखा गया है, हम वोट तो देते हैं लेकिन उसके बाद हमको जो उसका मुआवजा मिलना चाहिए वो मुआवजा नहीं मिलता है, हमारी बात को मुखर होकर के पार्टी बात नहीं करती है। तो मैं मानता हूं कि इस बात के होने से जो पिछड़े समाज है, जो गरीब समाज है, जो माइनॉरिटी मुस्लिम समाज है, तो मुस्लिम समाज का भी हौसला इसके अंदर बढ़ेगा, उसका एतबार, उसका यकीन जो है कांग्रेस पार्टी के लिए और बढ़ेगा कि कांग्रेस पार्टी के टॉप लीडरशिप और जो राहुल गांधी जी हैं वो खुद भी इस बात को इतनी मजबूती के साथ उठाएं। तो मैं मानता हूं कि मुस्लिम समाज को भी, पीड़ित समाज को भी इससे बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा और कांग्रेस पार्टी के सामने भी और जो सेक्युलर पार्टी के सामने भी जो दबी आवाज के अंदर ये बात आती थी कि हमारी बात को तरजीह नहीं दी जाती है, तो मैं मानता हूं कि अब उनको भी लगेगा कि हमारी बात को तरजीह दी जाती है, हमारी भी वो सुनने वाला है, हमारी भी बात कोई करने वाला है। और मैं उम्मीद रखता हूं कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने इस बात को उठाया, इसी तरीके से अखिलेश यादव भी इस बात को उठाएंगे, इसी तरीके से ममता बनर्जी भी उठाएंगे, इसी तरीके से दीगर जितनी भी जमात है जो सेक्युलर पार्टी है और वो जिनको एक तरफा वोट मिलता है मुस्लिम समाज का, तो वो भी उनके इंसाफ की जो बात है वो लोग भी मिलकर बोल करेंगे। तो मेरी तो आपके माध्यम से पूरे जो इंडिया गठबंधन है उनके लोगों को मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहता हूं कि जिस ढंग से, जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने एक बात को रखा, मुस्लिम समाज की बात को रखा, इस्लाम की बात को रखा, इसी के साथ सभी लोगों की उन्होंने बात को रखा था, इसी तरीके से तमाम इंडिया गठबंधन के लोग एक साथ मिलकर के एक आवाज में आवाज बुलंद करके इस देश में होने वाले मॉब लिंचिंग, इस देश में होने वाले बुलडोजर की राजनीति, इस देश में होने वाले अत्याचार और भारतीय जनता पार्टी की जो संकुचित विचारधारा की जो नीति है उसके खिलाफ सब मिलकर के आवाज उठाएंगे, तो मुझे यकीन ही नहीं पूरा भरोसा भी है क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ने इस चुनाव के परिणामों के अंदर भी ये बता दिया है कि 400 सीट की बात करने वाले लोगों का जो था उनको उनकी औकात उनको बता दी गई और लोगों ने उनको ये बताया। इसका मतलब ये होता है कि जो रिजल्ट है वो सिर्फ अकेले मुस्लिम समाज से नहीं आया है, हिंदू समाज जो है, सेक्युलर हिंदू समाज है उसको भी ये बात बहुत अच्छी लगी जो बात है जो सेक्युलर पार्टियों ने उठाई थी और सबने मिलकर के, हिंदू मुस्लिम दोनों ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को कंट्रोल में लाने का काम किया है। तो आने वाले दिनों में जब सभी ने मिलकर, सभी के साथ सरकार से बात को हुई है, तो आने वाले दिनों में भी इंडिया गठबंधन सभी लोगों के लिए, जो भी दबे हैं, कुचले हैं, मुस्लिम्स हैं, इसके अलावा दीगर जो भी प्रश्न है, जो भी उनकी जो समस्या है, उनको मुखर होकर के मजबूती के साथ निर्भय होकर के अपनी बात को रखेंगे, तो मुझे पूरा भरोसा और पूरा यकीन है कि हिंदुस्तान की जो सेक्युलर हिंदू जनता है उसको कभी हिंदू मुस्लिम में इंटरेस्ट नहीं है, उसको कभी भी इसमें ये नहीं है कि वो हिंदू मुस्लिम लड़ते रहे, लेकिन जब एक तरफा बात जाएगी और दूसरी तरफ उसका काउंटर नहीं होगा तो ये समस्याएं पैदा उससे होती है। लेकिन मजबूती के साथ अगर काउंटर करेंगे तो मैं मानता हूं कि फांसीवादी जो परिबल है इनके दिन अब पूरे होने वाले हैं, इनको आइए जो चुनाव के जो रिजल्ट है आने वाले दिन में, जब महाराष्ट्र, जो झारखंड है और उसके साथ साथ हरियाणा के जो चुनाव है उसमें भी जो आवाम है बिल्कुल मजबूती के साथ सबक सिखाएगी। लेकिन तमाम से एक ही गुजारिश है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी है जो अपने सिद्धांत और अपनी नीति की बात करती है उस सिद्धांत और नीति के ऊपर मजबूती के साथ जमी रहे, अपने मतदाताओं के साथ उसका विश्वास बना रहे, अपने मतदाताओं के वो आवाज बनकर के अपनी बात को रखें। तो मैं मानता हूं कि वापिस से जो आपने शुरुआत में कहा कि पूर्व कांग्रेस जो है उसके ओरिजिनल जूने पुराने शेप में नजर आई, अंदाज में नजर आई, मैं मानता हूं अगर उसके पुराने अंदाज में नजर आएगी तो आने वाले दिनों के अंदर हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ही नजर आएगी, इसके अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।